बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ठंडा ठंडा रबड़ी दूध। वैसे भी बहुत गर्मी हो गई है, तो मैंने सोचा आज रबड़ी दूध बनाऊँ। तो उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो आपके सामने हैं, और मैं आपको बता भी देती हूँ। मैंने तकरीबन 1.5 लीटर दूध ले लिया है, और मुझे चीनी चाहिए 2 चम्मच, बर्फ़ी है, आप चाहें तो खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बर्फ़ी डाली है, और 3 इलायचियाँ जिन्हें मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा ये गुड़ है, और बादाम और पिस्ता मैंने क्रश कर लिए जी, और ये है नीडो 1 चम्मच, और ये है कस्टर्ड। आप बाज़ लोग कस्टर्ड की जगह ना कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं दूध को गाढ़ा करने के लिए, तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कस्टर्ड से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ज़ाफ़रान जी। तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। दूध डाल दिया और चूल्हा ऑन करने लगी हूँ, और इस दूध को बनाने के लिए आपको थोड़ा बड़ा बर्तन चाहिए, ताकि दूध में उबाल आए तो वो बाहर नहीं गिरे। दूध अच्छे तरीके से गर्म हो गया है, दूध को अच्छी तरह से उबाल आ गया। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने आपको बताया था, गुड़, चीनी, बर्फी और इलायची। अच्छी तरीके से थोड़े से मिक्स कर लूंगी, फक्तन फोक्तन आप चमचा हिलाते रहें, ताकि जो दूध की मलाई पक पक के जो दूध की मलाई बन जाती है वो पैंदे से चिपक नहीं जाए। काफ़ी टाइम से तकरीबन 1-1.5 घंटे में तैयार होता है, और बहुत मज़े का लगता है। अब देख सकते हैं दूध काफ़ी हद तक पक गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी नीडो और कस्टर्ड जो मैंने आपको बताया एक था। कप में मैंने पानी ले लिया, और इसमें मैं डालूंगी कस्टर्ड और नीडो। आप इसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करें, क्योंकि ये चीज़ें के फिर मिक्स नहीं होता और इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करके अब ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी, और साथ साथ आप चम्मच हिलाते रहें। अब देख सकते हैं दूध का कलर चेंज हो गया है, दूध गाढ़ा हो गया। इसकी साइड से ये मलाई उतारते जाएं साथ साथ, तो साइड से दूध जल जाता है। कम से कम ये 1.5 से 2 घंटे में तैयार होता है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और चमचा हिलाना इसमें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारी मलाई नीचे पैंदे को चिपक जाएगी। दूध ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, ये आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है, पहले वाइट था अब ऑफ वाइट हो गया है, क्रीमी सा, और ये आप देख सकते हैं कितना थिक हो गया, और खुशबू भी बहुत अच्छी है। मैं इसे 1-2 उबाल दे दूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी, और इसका वेट करूंगी कि ठंडा हो जाए, के बने 1-2 घंटे तक ये ठंडा हो जाएगा। इसका जायका जब भी अच्छा लगता है, जब दूध बिल्कुल ठंडा हो, सही ठंडा। आप चाहें तो बर्फ़ डाल सकते हैं, लेकिन बर्फ़ से दूध पतला हो जाएगा, तो बेहतर है थोड़ा सा वेट ज़्यादा कर लें। ये आप देख सकते हैं चलें जी, मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गया तकरीबन 2 घंटे पकने के बाद, बस इसका इंतज़ार थोड़ा सा ठंडा होता है। फिर दूध ठंडा हो गया है, और आप देख सकते हैं, और अब इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी ज़ाफ़रान, बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ कलर के लिए।
और खुशबू के लिए आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसे जग में डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कितना थिक है, ये आप देख सकते हैं। बहुत इजी है, बस पकाना थोड़ा सा ज्यादा। ग्लास में दूध डाल दिया, ऊपर मैंने बादाम डाल दिए। आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो नहीं डालें, आपकी मर्जी। बादाम पिस्ते से टेस्ट अच्छा आता है, बहुत हेल्दी ड्रिंक है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा घर में, और बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक मुझे, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।